आप लोग का स्वागत है डेली अपडेट पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। जिन अभ्यर्थियों को, जिन स्टूडेंट को लैपटॉप चाहिए और फिर स्मार्टफोन चाहिए, तो आपको ये काम करना बहुत ही कंपलसरी हो गया। मैं आपको सारा कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको एक आर्टिकल के जरिए मैं आपको सारा कुछ पढ़ के बता रहा हूँ। दोस्तों, यूपी सरकार की स्मार्टफोन टैबलेट योजना में बदलाव, अब सभी विद्यार्थियों के लिए EKYC कराना अनिवार्य। दोस्तों, आप सभी अभ्यर्थियों को, मतलब सभी विद्यार्थियों को, दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपको EKYC करना कंपलसरी कर दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको आगे इस वीडियो में सारा कुछ पढ़ के डिटेल से बताने वाला हूँ। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, बिल्कुल लास्ट तक देखें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यूपी सरकार की स्मार्टफोन टैबलेट योजना में बदलाव किया गया है। स्मार्टफोन टैबलेट वितरण में डुप्लीकेसी रोकने के लिए शासन ने EKYC कराना अनिवार्य कर दिया है। विद्यार्थियों का आधार प्रमाणीकरण डिजी शक्ति पोर्टल पर होगा। मतलब दोस्तों, बहुत से विद्यार्थी जो थे वो डबल मतलब स्मार्टफोन और फिर अपना लैपटॉप ले रहे थे, तो इसकी कंप्लेंट दोस्तों वहाँ के विभाग को पड़ी, तो इसे रोकने के लिए वहाँ पे EKYC किया जा रहा है। 67,818 विद्यार्थियों का डाटा अपलोड किया गया है, जिनमें से 24,136 को स्मार्टफोन और 4,334 को टैबलेट दिया जा चुका है। मतलब दोस्तों, 67,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थियों को वहाँ मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पर डाटा अपलोड कर दिया गया है और लगभग 24,136 विद्यार्थियों को स्मार्टफोन दे दिया गया है और 4,334 को टैबलेट दिया जा चुका है। दोस्तों, जिले के विद्यार्थी विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध व महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। विद्यार्थी को EKYC के बिना स्मार्टफोन और टैबलेट नहीं मिलेगा। मतलब दोस्तों, अगर आप वहाँ पे स्टूडेंट हैं और अपना और दोस्तों आप टैबलेट ले और अपना टैबलेट और फिर अपना स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो आपको EKYC करना होगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। फिर दोस्तों, इसमें आर्टिकल में ये लिखा है कि शासन ने डुप्लीकेसी को रोकने के लिए निर्णय लिया है और महाविद्यालय में हर विद्यार्थी की EKYC यानी आधार का प्रमाणीकरण होगा। आधार में किसी तरह की गड़बड़ी है तो विद्यार्थी पहले ही संशोधन करा ले। मतलब अगर आपके आधार कार्ड में किसी तरह की कोई गड़बड़ी है तो जल्द से जल्द उन्हें सुधार ले। प्रदेश सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन योजना संचालित की हुई है। योजना के तहत जिले में 24,136 विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और 4,334 विद्यार्थियों को टैबलेट का वितरण किया जा चुका है और 67,818 विद्यार्थियों का डाटा डीजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड है। इन विद्यार्थियों का डाटा सत्यापित किया जा रहा है। इन बीच शासन तक दो बार योजना का लाभ लेने की शिकायत पहुंची है। मतलब दोस्तों, 67,818 विद्यार्थियों का अभी काम पेंडिंग है। इन अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द अपना EKYC कराना होगा, तभी दोस्तों आपको लैपटॉप और स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा बहुत ही बड़ी अपडेट। और इसी तरह आप मेरे चैनल से रोज़ नई अपडेट लेना चाहते हैं तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को प्लीज़ अभी आप सब्सक्राइब कर लें।